नूतने अस्मिन् शिक्षण सत्रे अस्माकं सर्वेषां छात्राणां कक्षायां स्वागतम्। अद्य वयं धर्मशास्त्रे मनुस्मृति ग्रंथे चतुर्थाध्याये किंचित् पठिष्यामः। मनुना यत् अस्माभिः निर्दिशितं तत् सर्वं सर्वेषां कृते पालनीयम् इति एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः इति कथनानुसारं मनुना यत् निर्दिष्टं तत् सर्वं अस्माभिः मनुष्याणां कृते पालनीयमेव। एतदस्मिन्नेव प्रसंगे भो छात्रः वयम् अद्य मनुस्मृति ग्रंथस्य चतुर्थाध्यायस्य श्लोकद्वयं पठिष्यामः। सर्वे स्वपुस्तकं उद्घाटयन्तु। अस्य चतुर्थ अध्यायस्य श्लोक संख्या 132-133 अथवा तो 133-134 श्लोक हमें आज हृदयंगम करने हैं। मैं सर्वप्रथम श्लोक का वाचन करूंगा, आप सब भी मेरा अनुकरण करेंगे। श्लोक संख्या 133 चतुर्थाध्याय। वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः अधार्मिकं तस्करं च परश्चैव च योषितम्। पुनः वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः अधार्मिकं तस्करं च परश्चैव च योषितम्। एवमेव नहि ईदृशं मनायुष्यं लोके किंचिन विद्यते यादृशं पुरुषस्यैव परदारोपसेवनम्। अर्थात मनु के अनुसार किन लोगों का संग नहीं करना चाहिए, यह प्रतिपादित दो श्लोकों में किया जा रहा है। मनु के अनुसार शत्रु का जो सहायक है उसका, जो धार्मिक नहीं है ऐसे अधार्मिक व्यक्ति का, चोर व्यक्ति का और पर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। मनु दूसरे श्लोक में कहते हैं न ही ईदृशं मनायुष्यं लोके किंचन विद्यते यादृशं पुरुषस्यैह परदारोपसेवनम्। अर्थात इस संसार में मनुष्य के लिए अपनी आयु क्षीण करने वाला ऐसा कोई कार्य नहीं है जैसा दूसरी स्त्री का सेवन, अतः पर स्त्री का सर्वथा निषेध करना चाहिए। भो छात्रः किं न सेवेत अस्मिन् विषये मनु प्रतिपादयति यत् वैरिणं तस्य सहायकं तथा च अधार्मिक पुरुषं चौरं परियोषितं च न कदापि सेवेत। जीवने स्व आयुष्य विनाशाय परदार सेवन अपेक्षया अन्य कोऽपि कार्य नास्ति, अतः सर्वथा परदार निषेध कर्तव्यः इति।